अभी दारा बदली हुई स्थिति पर विचार कर ही रहा था कि कोकला पहाड़ी पर कोलाहल हुआ तथा वहां से घोषणा की गई कि शत्रु ने पहाड़ी के सबसे सुरक्षित स्थान को छीन लिया है। इस नए संकट ने दारा को तत्काल निर्णय लेने पर विवश कर दिया। दारा में औरंगजेब की तरह सर्वोच्च प्रयास करने का हौसला नहीं था जो हारी हुई बाजी को पलट सके। 3 दिन की लगातार लड़ाई के दबाव ने दारा को हतोत्साहित कर दिया था। वह अपनी सेना को उसके भाग्य पर छोड़कर युद्ध के मैदान से निकल गया। इसी के साथ दारा ने अपने दुर्भाग्य पर अपने ही हाथों से मोहर लगा दी। अब उसे हारने से कोई नहीं रोक सकता था। सत्य तो यह है कि जिस दिन से मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह ने दारा की सहायता करने से मना कर दिया था, उसी दिन से दारा ने मन ही मन अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। दारा इतना भयभीत हुआ कि वह युद्ध के मैदान से भागकर अजमेर नगर में नहीं गया, जहां उसका हरम तथा उसका खजाना किसी भी बुरी परिस्थिति में पलायन के लिए ऊंटों एवं हाथियों पर लदा हुआ तैयार खड़ा था। दारा पश्चिम दिशा में मेड़ता की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। जब दारा के हरम और खजाने के अधिकारियों तक यह सूचना पहुंची तो वे भी दारा के भागने की दिशा में पीछे पीछे भाग लिए। इसी बीच रात हो गई। औरंगजेब के सेनापतियों को अचानक मिली इस जीत पर विश्वास नहीं हुआ। वे समझ ही नहीं पाए कि जीत इतनी जल्दी कैसे मिल गई। दिलेर खां यद्यपि दारा की सेना की घेराबंदी को तोड़ चुका था, तथापि उसकी स्थिति नाजुक थी। शेख मीर के सिपाहियों को शेख की मृत्यु के बारे में ज्ञात हो चुका था और वे सारा अनुशासन भंग करके लूटपाट करने में लगे हुए थे। उनका ध्यान युद्ध की तरफ बिल्कुल नहीं था। महाराजा जयसिंह की आगे बढ़ने की गति अब भी बहुत धीमी थी। उसके दाहिनी तरफ असद खां एवं होशदाद खां अब भी कुछ नहीं कर पाए थे। उनकी टुकड़ियां दर्शक बनकर व्यर्थ खड़ी थी, किंतु दारा के भाग जाने से इन सब की कमजोरियों एवं गलतियों पर पर्दा पड़ गया था। औरंगजेब की इस अप्रत्याशित जीत और दारा की कायरतापूर्ण पराजय का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता था तो वह केवल जम्मू का राजा राम रूप राय था, जिसने औरंगजेब के लिए अपने प्राणों और सैनिकों की बलि दे दी थी। जैसे ही औरंगजेब को ज्ञात हुआ कि दारा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया है, तो उसने युद्ध रोक दिया। राजा जयसिंह ने आगे बढ़कर तंग घाटी का रास्ता रोक लिया ताकि दारा के सिपाही जान बचाकर न भाग सके। अब औरंगजेब के मुस्लिम सेनापतियों ने मोर्चा संभाला और दारा के सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यह कत्लेआम देर रात तक चलता रहा। इस प्रकार 11 मार्च की शाम को आरंभ हुआ देवराई गांव का युद्ध 13 मार्च की रात में थम गया। दारा की सेना किसी भी तरह से औरंगजेब की सेना से कम नहीं थी, किंतु दारा का मनोबल बढ़ाने वाला कोई मित्र उसके साथ नहीं था। जबकि औरंगजेब के मित्रों की कमी नहीं थी और उसे नित नई सहायता प्राप्त हो रही थी। दुर्भाग्य से हिंदू राजाओं ने गलत निर्णय लिए। उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अच्छे दारा को छोड़कर बुरे औरंगजेब का साथ दिया। जम्मू नरेश राम रूप राय स्वयं भी नष्ट हो गया और उसने दारा को भी नष्ट कर दिया। यदि आंबेर नरेश जयसिंह औरंगजेब का साथ न देता तो दारा परास्त न हुआ होता। यदि जोधपुर नरेश जसवंत सिंह दारा के पक्ष में लड़ने के लिए आ गया होता तो भी दारा परास्त न हुआ होता। यदि किशनगढ़ नरेश महाराजा रूप सिंह और बूंदी नरेश महाराजा छत्रसाल शामूगढ़ के मैदान में शहीद न हुए होते तो भी दारा परास्त नहीं होता। मध्यकाल के हिंदू नरेश लगभग हर मोर्चे पर इतने ही अदूरदर्शी एवं असफल सिद्ध हुए थे जितने वे दौराई के युद्ध में असफल रहे थे। इस अदूरदृष्टि एवं असफलता का कारण स्पष्ट था। जहां सारे नरेश दारा की तरफ थे, वहीं आमेर नरेश जयसिंह दुष्ट औरंगजेब की तरफ था और वह बार बार महाराजा जसवंत सिंह को गलत निर्णय लेने पर उकसा रहा था। इस युद्ध में अजमेर की वीसल झील नष्ट हो गई तथा तारागढ़ एवं अजमेर नगर के परकोटों को गंभीर क्षति पहुंची। प्राचीन इंद्रगढ़ के अवशेष पूरी तरह नष्ट हो गए।
जब दारा मेड़ता होता हुआ अहमदाबाद की ओर भाग रहा था तब फ्रेंच यात्री बर्नियर भी दारा के साथ ही चल रहा था। उन दिनों दारा की एक बेगम के पैर में विसर्प लग जाने से वह बीमार थी तथा दारा उसकी सेवा कर रहा था। जब दारा को ज्ञात हुआ कि बर्नियर नामक फिरंगी चिकित्सक उनके साथ ही चल रहा है तो दारा ने उसे अपने शिविर में बुलवाया। बर्नियर दारा के तंबू में गया और उसने बीमार बेगम की चिकित्सा की। बर्नियर 3 दिन तक दारा के साथ यात्रा करता रहा ताकि उसकी बेगम की चिकित्सा की जा सके। अगली कड़ी में देखिए, विश्वासघाती अमीर ने दारा को औरंगजेब के हाथों बेच दिया।